सर आज हम बनाएंगे ब्रेड ऑमलेट सैंडविच। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए। ब्रेड ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हमने पैन के अंदर ऑयल लिया है, उसके बाद फिर हम एग्स लेंगे। आप एक अंडे का या दो अंडे का बना सकते हैं एग्स, जैसा भी आपको बस अच्छा लगे। अंडे को कैसे तोड़े, थोड़ा सा ऐसे नहीं तोड़ना है, ऐसे तोड़ना है आराम से आपको। और दो अंडे लेने हैं, दो अंडे का अच्छा ब्रेड ऑमलेट बनेगा। सिंगल अंडा डाला है मैंने, एक और अंडा और डाल दिया मैंने। दो अंडे लिए, उसके बाद उसमें कोरिएंडर डाला है, ठीक है। चॉप प्याज डाला है, धनिया डाला है, हरी मिर्ची डाली है थोड़ी थोड़ी, उसका थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ी सी फिर मैंने इसके अंदर टर्मेरिक पाउडर डाल रहा हूँ। हल्दी डालना इम्पोर्टेंट हो गया आज की डेट में। जब से कोरोना हुआ है तब से क्या हो रहा है कि आपकी बॉडी को इम्यूनिटी का आपकी जो होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखने के लिए टर्मेरिक आपका जो काम करती है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम करती है, इसलिए हल्दी मैं फूड के अंदर अच्छे से डालता हूँ। तो आप भी अपने फूड के अंदर हल्दी को ज़रूर ऐड करें, इसलिए मैंने इसमें हल्दी डाली है। फिर आपको दो ब्रेड लेनी है, इस तरह से इसमें लगा देनी है, ठीक है। साइड में फिर ऑयल लगा देना ताकि क्योंकि ऑमलेट जो अपनी जगह है वो छोड़ देगा, ठीक है। फिर इसको सारी तरफ से धीरे धीरे से घुमा घुमा के इस तरह से इसको ऑमलेट को पकाना है ताकि आपका कच्चा नहीं रहेगा ऑमलेट आपका। इस तरह से मैं घुमा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। उसके बाद फिर आपको ऐसे करना, फिर इसको पलटी मारना ऐसे, ठीक है। इस तरह से पलटी मार देना, आपको मेरा ऑमलेट पक गया एक तरफ से। और इसको फिर इस तरह से फोल्ड कर देना है, आप भी चाहे फोल्ड कर सकते हैं। उसके बाद आप इसमें चाहे तो चटनी लगा सकते हैं या कुछ और भी डाल सकते हैं। स्टफ मैंने प्लेन रखा बनाया है, ये बच्चों के ब्रेकफास्ट में जल्दी से बन जाएगा और लग भी जाएगा। तो ये बन के आपका रेडी हो गया ब्रेड ऑमलेट सैंडविच, ठीक है। अब आती है प्लेटिंग की बारी। प्लेटिंग के अंदर आपको पता है प्लेटिंग करता हूँ बहुत ही वाव फैक्टर वाली। इस तरह से एक टमाटो केचप लिया है मैंने। टमाटो केचप लेने के बाद ये सैंडविच मैंने निकाल लिया है। सैंडविच निकाल को 1/2 कर दूंगा मैं। आप चाहे तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं, वेजिटेबल और ऐड कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं डाला है, ठीक है। इस तरह से आपको प्लेटिंग रेडी हो गई, आपका सैंडविच ब्रेड ऑमलेट सैंडविच बन के रेडी हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बने रहे इसी तरह वीडियो के साथ में। थैंक यू फॉर, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे अच्छा लगेगा मुझे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।